रहमान रहीम, कामरान भाई ने बड़ा प्यारा सवाल और बड़ा एक सच हमारी अवाम के सामने पेश किया है। यही बात उलमाए अहले सुन्नत इस फिरके के मुतालिक बताते हैं और लोग समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और खुद मैं जाती तौर पर कुछ अहले तशय्यो लोग हैं जिनके साथ बैठा हूं, बात की है, वो कहते हैं हमारी किताबों में ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, ऐसा तो मामला ही नहीं है, हम तमाम सहाबा को मानते हैं। आज उन्हीं के चैनल्स पर ये बातें चल रही हैं जी। और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि किसी सुन्नियों की किताब का वो रेफरेंस पेश कर रहे थे जी जी। पहली बात तो यह है कि ऐसा रेफरेंस किसी अहले सुन्नत का नहीं है, अगर रेफरेंस है तो वो हमारे सामने पेश करें पूरा रेफरेंस, फिर हम बताएंगे कि वो किताब किसकी है। अगर खुद कोई किताब छाप के और नाम लिख दे और कह दे कि ये सुन्नी था, तो वो उसके कहने से तो नहीं होगा ना, वो तो हम देखेंगे, हम बताएंगे अवाम को कि ये सुन्नी था या शिया था, क्या था उसकी असल क्या है। दूसरी बात जो कही जा रही है, जिस चीज को वो बयान कर रहे हैं अपने चैनल्स पे कि जनाब उमरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा यानी नजायज तौर पे बने और जनाब उमरे फारूक ने जबरदस्ती लोगों से बैत ली, यही कहने का मकसद है ना कि खिलाफत जबरदस्ती ली गई और लोगों के घरों में जाकर लोगों को मजबूर किया गया कि बैत करो और जनाब मौला अली के घर के बाहर आके दंगा फसाद किया, लड़ाई की, उन्हें मारा। मैं कहता हूं ये लोग जनाब मौला अली को समझते क्या है, एक तरफ तो अली अली का नारा लगाते हैं, एक तरफ तो कहते हैं वो वली हैं अल्लाह के, इनके तो कलमे में है कि अली उन वली अल्लाह, और ये क्या मौला अली को अल्लाह का शेर नहीं समझते? क्या मौला अली इतने डरपोक थे कि जनाब उमर फारूक और जनाब उस्माने का नहीं आए और वो डर जाएं? ये उनको समझते क्या है? वो जो मरहब को उखाड़ कर फेंक दे और मरहब को पछाड़ दें और उसके दो टुकड़े कर दें, अब्द इब्ने वुद के दो टुकड़े कर दें, जब मुकाबला कुफर से हो तो जनाब मौला अली सामने होते हैं, लेकिन जनाब मौला अली ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में आए, ना जनाब उमर फारूक के मुकाबले में आए, ना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम के, इन तमाम तीनों से सहाबा के मुकाबले में नहीं आए रदी अल्लाह ताला अन्हुम। तो जब उनका इनसे प्यार था आप नहीं आए, तो ये उनका सबूत है कि वो उनका इनसे प्यार था, आपस में मोहब्बत थी, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था। अगर नाहक होता तो इमाम हुसैन ने यजीद को नाहक समझा था ना, निकल आए थे ना बाहर और अपने 72 तन कुर्बान किए ना, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने माल की कुर्बानियां दी, हर शय कुर्बान की, क्यों? वो समझते थे यजीद ना हक है। अगर मौला अली जनाबे अबू बकर सिद्दीक को ना हक समझते तो वो लड़ते, और कैसी अजीबों वाली और अजीब घटिया किस्म की सोच है और घटिया किस्म की बात है। जनाबे सैयदतुन्निसा अहलिल जन्ना, सैयदतुन्निसा आलमीन, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और महबूब तरीन बेटी है, और इनके मुतालिक ये कहना कि आपको मिस कैरिज हो गया और जनाब उमर फारूक ने नाउज बिल्ला लातों से मारा और इस तरह की बातें, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें आप अपने मुंह से कर कैसे सकते हैं यार, कौन सा मुंह लेकर आप लोग ये बातें पढ़ते हो और ये बातें कहते हो। वो जो बीबी जन्नती औरतों की सरदार है, वो बीबी भी, वो सैयदातुन्निसा अहले जन्ना जो मेरी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आंखों का चैन और दिल का सुकून है, जिनके साथ नबी पाक इतनी शफकत फरमाते थे कि जब वो आती तो सरकार खड़े होकर इस्तकबाल करते और सरकार मदीना प्यार दिया करते थे, माथा चुमा करते थे अपनी इस बेटी का, जब भी सफर पर जाते तो पहले सबसे आखिर में इनसे मिलकर जाते और जब वापिस आते तो सबसे पहले इनसे मिलते। ये कोई आम बीबी है यार? सैयदा फातिमा तो ज़हरा कोई आम है? और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे उस्माने गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से प्यार करने वाले हैं, नबी पाक के तबर्रुकात से प्यार करने वाले हैं। ये कैसे मुमकिन है कि नबी पाक की बेटी को वो इस तरह की बात हो सके? तो ये मैं कहता हूं ये सरासर शिया लोगों की आले तशय्यो की खुद साख्ता तारीख है, खुद इन्होंने घड़ी है, खुद अपनी तरफ से ये इनकी किताबों में मौजूद है, नहीं तो मुल्ला बाकर मजलिसी ने इस किताब को लिखा है, अपनी किताबों में इसका तज़किरा किया है। ये हमारा नजरिया नहीं है, ये तो इनका अपना नजरिया है। तो ऐसा नजरिया रखने वाला वो बड़ा बेईमान शख्स है, और हम पूरे जिम्मेदारी से कहते हैं किसी आहले सुन्नत की ऐसी तहरीर मौजूद नहीं है। अगर किसी को चैलेंज है, हमारे दरवाजे हर टाइम खुले हैं और हम जिम्मेदार हैं आहले सुन्नत की हर बात का जवाब देने के लिए। इंशाअल्लाह।